हम बेसटेलेंट क्यों है? जानी तेरे अंदर पबजी का टैलेंट है, मेरे अंदर पबजी का टैलेंट नहीं है। तेरे अंदर काम करने का मेहनत की सलाहियत है, मेरे अंदर है। मैं भी मेहनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान फ्रॉम टेक्निकल जी। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में जो टारगेट करने वाला हूँ वो ऑडियंस है जो कि आईफोन यूज़ करना चाहती है, जो कि आईफोन यूज़र बनना चाहती है फ्यूचर में या आने वाले कुछ दिनों में। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग हैं जो अभी आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए दो जो कन्फ्यूजन्स है वो उनको फेस करने को मिलती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम दोनों में से क्या सिलेक्ट करें। नंबर वन FU और नंबर टू SU। अब ये FU और SU क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो FU है वो होता है फैक्ट्री अनलॉक और जो SU होता है वो होता है सॉफ्टवेयर अनलॉक। अब इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए आईफोन में, आपने सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन लेना है या फैक्ट्री अनलॉक आईफोन लेना है, वो दोनों चीज़ें मैं आपकी आज की वीडियो में क्लियर करता चलूंगा और बिल्कुल वो चीज़ मैं आपको आपके जहन में बिठाऊंगा। वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो जाए लेकिन इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता चलूंगा और वीडियो आपने लास्ट में से एंड तक देखनी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कौन सा आईफोन लेना है और सॉफ्टवेयर अनलॉक और फैक्ट्री अनलॉक में कितने प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता है और इन दोनों में फर्क क्या है, अच्छा कौन सा रहेगा, ये दोनों चीजें मैं आपसे क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के चलते चलते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लास्ट में से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जी स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री अनलॉक से। आपने सुना होगा कि कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो वो दो चीज़ें बता रहे होते हैं, ये जी फैक्ट्री अनलॉक है और ये सॉफ्टवेयर अनलॉक है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं फैक्ट्री अनलॉक क्या होता है। तो फैक्ट्री अनलॉक बेसिकली ये होता है कि पहले मैं आपको बता दूंगी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। सॉफ्टवेयर अनलॉक जिस कंपनी का होता है, जो मोबाइल होता है, और वही फैक्ट्री अनलॉक होता है। मतलब फैक्ट्री अनलॉक और सॉफ्टवेयर अनलॉक एक ही कंपनी के एक ही प्रोडक्ट और एक ही चीज़ होती है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जो फैक्ट्री अनलॉक है वो बेसिकली जैसे फैक्ट्री से कोई चीज़ नहीं बन के निकलती है, वहाँ से जो उसकी मतलब फैक्ट्री अनलॉक हुआ है उसमें आप कोई भी सिम चलाओ, कुछ भी चलाओ, वो आपके ऊपर है, वो अपडेट भी होगी और उसमें सिम भी चलेगी, कोई सी भी सिम, ठीक है। PTA नॉन PTA वो एक बात की बात है, ठीक है, लेकिन एक सिम चलने की मैं आपको बात बताता हूँ। जो फैक्ट्री अनलॉक है उसमें सिम चल जाती है और कोई सी भी सिम चल जाती है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर अनलॉक की। अब सॉफ्टवेयर अनलॉक में भी सिम चलती है लेकिन उसमें सिर्फ वो सिम चलेगी जिसके थ्रू मोबाइल लिया गया होगा। अब सवाल आता है कि मोबाइल कैसे लिया होगा। मैं आपको पाकिस्तानी मिसाल देता हूँ। अब ऐसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ इंस्टॉलमेंट पे या किसी कंपनी के थ्रू मैं लेना चाहता हूँ। मैं मिसाल अब यहाँ पर जेज जोंग वगैरह की सिम्स होती हैं तो मैं जेज से अपना कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और उन्हें कहता हूँ भाई मुझे आईफोन चाहिए, लेकिन वो मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ जेज की सिम चलानी है, जेज के अलावा आपने कोई सिम नहीं चलानी। तो वो मोबाइल क्या करेंगे, जो आईफोन होगा वो लेकर उसमें जो है वो अपना सॉफ्टवेयर लॉक लगा देंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर लॉक से मुराद ये है कि जेज के सिवा उसमें कोई भी सिम नहीं चलेगी। जब मेरा वो एक मतलब उसमें इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होती हैं जैसे कहा जाए, जब वो चीज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये होगा कि वो मेरा फ़ोन रखकर उसके बाद मुझे दूसरा फ़ोन देंगे, चाहूँ तो मैं उसमें पैकेज जो है मैं अपने कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं तो मैं उसमें सिम जो है ना वही जैसे कि जेज होती है वही चला सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये मिसाल की बात है, मैं वो फ़ोन लेकर बाहर चला जाता हूँ तो बाहर भी उसमें कोई सिम मैं नहीं चला सकता सिवाय जेज के। तो बेसिकली ये होता है सॉफ्टवेयर अनलॉक, मतलब मैं कहीं भी जाऊंगा तो वो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलॉक करेंगे, उसके बाद मैं उसमें कोई भी सिम चला सकता हूँ, लेकिन उसमें ना मैं अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट करने जैसे अब आईफोन का नया कोई अपडेट आता है तो वो अपडेट करने के लिए भी मुझे जाके उसका सॉफ्टवेयर अनलॉक करवाना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको अगर अपडेट करूँगा तो वो मेरा सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाएगा, फिर जाके मुझे पैसे भरकर सॉफ्टवेयर अनलॉक है। अब बात आती है कि डिफरेंस कितना होता है सॉफ्टवेयर अनलॉक और फैक्ट्री अनलॉक में। अब कोई छोटा सा मॉडल उठा लेते हैं लाख तक का, ठीक है। अब मिसाल की बात है आपने कोई आप एक मोबाइल ले रहे हो जो कि है फैक्ट्री अनलॉक, वो आपको 1,00,000 का पड़ा है, और दूसरी चीज़ जो आप सॉफ्टवेयर अनलॉक लोगे तो उसमें कम से कम भी 15,000 से 20,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपका जो सॉफ्टवेयर अनलॉक है वो आपको 80 to 85K तक का मिलेगा। अब मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना है तो मैंने जो दुकानदार है उससे मैंने पूछा, देखे मैंने नॉन PTA लेना है, ठीक है, PTA अप्रूव ना हो कोई मसला नहीं, सिर्फ कैमरे तक की मतलब मैंने करना है क्योंकि अभी 1,00,000 से 1.5 लाख तक का PTA अप्रूव हो रहा है। तो मैंने उससे दो ऑप्शन उससे मेरे सामने रखे, फैक्ट्री अनलॉक और सॉफ्टवेयर अनलॉक। जो कि फैक्ट्री अनलॉक था वो मुझे पड़ रहा था 2.5 लाख रुपये का, और जो सॉफ्टवेयर अनलॉक था मतलब उसने ये मुझे कहा है कि जो ऊपर के मॉडल होते हैं मतलब कि X से नीचे और X से ऊपर जैसे 11, 12 और 13 प्रो मैक्स वगैरह जो है ना, उसमें उसने कहा है कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो अपडेट है वो अपडेट होता रहेगा, जो भी आईफोन का नया अपडेट आएगा तो वो अपडेट होता रहेगा। तो मैंने उससे पूछा कि जो फैक्ट्री अनलॉक है वो 2.5 लाख का और जो सॉफ्टवेयर अनलॉक है वो कितने का। सॉफ्टवेयर अनलॉक उसने मुझे बताया कि 185 का। सेम चीज़, सेम मतलब कंपनी से निकली हुई, कोई भी डिफरेंस नहीं, लेकिन सिर्फ फ़र्क उसमें इतना है कि वो फैक्ट्री अनलॉक है और वो सॉफ्टवेयर अनलॉक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको शायद समझ में आए, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं एक और वीडियो इसमें डिटेल में बनाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है
जेबी और एलएलए दोनों चीज़ें आपको पता है कि जब भी आप किसी भी आईफोन यूज़र के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं आईफोन जो है ना सेल करने, तो सबसे पहले वो आपसे बैटरी हेल्थ पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि जेबी है या एलएलए है। अब एलएलए या जेबी में क्या डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट आने तक इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि इसमें मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ और कैसी लगी आपको वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दी, शेयर कर दी, उसके अलावा मेरे चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। इसकी माँ का भरोसा माइक नहीं डाला मैंने, माइक नहीं डाला मैंने यार। होता है जो कि होता है वो सर, वो किधर थे सर।